हाँ तभी तो बोला थैंक यू किस। चलो फाइन स्टार्ट करें गाइस, नाउ लेक्चर स्टार्टेड। दिस वाज द थिंग व्हिच यू हैव ऑलरेडी डन, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट व्हाट वी हैव टू डू। फर्स्ट थिंग इज डी ब्रोगली, इट इज नोन एज मैटर वेव डुअलिटी। मैटर वेव डुअलिटी इसका क्या मतलब होता है? दैट डी ब्रोगली सेड दैट मैटर एज इन द पार्टिकल्स। गाइस हम लोग क्या है, मैटर ही है ना। लाइक यू पीपल आर देयर, एनी एनी पेंसिल पेन एनी डैम थिंग व्हिच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड मास आर मैटर्स, राइट? यस यस तो डी ब्रोगली ने कहा था कि कोई भी मैटर हो उसके पास दोनों बिहेवियर होते हैं। दैट मींस अ मैटर हैज ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर। गेटिंग अ पॉइंट? मतलब जब डी ब्रॉय आया था ना, देखो डी ब्रोगली को ना इंडिया में डी ब्रोगली कहते हैं, बट एक्चुअली डी ब्रॉय है, ठीक है। हम लोगों ने इसको चेंज कर दिया, राइट? तो समझना, डी ब्रॉय सेड दैट कि कोई भी मैटर है इट हैज अ ड्यूअल नेचर, दैट मींस इट हैज अ पार्टिकल नेचर एज वेल एज इट हैज अ वेव नेचर। जब इसने ऐसा बोला कि इट हैज अ ड्यूअल नेचर, ऑल द पीपल गॉट अम्यूज्ड बाय दैट स्टेटमेंट। उन्होंने कहा यार हम लोग तो सीधा पार्टिकल ही है, हम तो वेव थोड़ना है। कभी तुमने अपने आप को एज अ वेव नोटिस किया है क्या? नो ऑब्वियसली नहीं। हाँ रात को अगर वो जो एंटी सोशल एलिमेंट्स वेव मोशन में घूमते हैं सड़कों पर, वो अलग चीज है, राइट? बट दैट इज नॉट अ मैटर, दैट इज नॉट अ मैटर वेव, राइट? Now understand, तो लोगों ने सोचा कि यार अगर मैटर के पास कोई वेव मोशन है और कोई वेव है तो ये डिनोट क्या करता है, मतलब हाउ इट इज, विल आर दीज रेडिएशन आर एमिटेड बाय अ मैटर, और व्हाट एग्जैक्टली अ मैटर वेव इज। नाउ अंडरस्टैंड, ध्यान से समझना, मेरे पास एक पर्टिकुलर मैटर है, ठीक है। नाउ लेट्स से आई हैव अ पर्टिकुलर बुलेट, so it got fired from a particular pistol, right? Okay, now it got fired from a particular pistol, so obviously it will move with a very high velocity, right? And when it is moving, it'll move, it appears that it is moving in a straight line, right? Kabhi goli ko aise move karta ho to nahi dekhoge na? No, bilkul but it doesn't matter, right? Now understand one thing, hoga kya अगर मैं इसके मोशन को एक माइक्रोस्कोप के अंदर एनालाइज करूं, कि मैंने इतना सा मोशन इसको इनलार्ज करके देखा, तुम्हें पता है क्या पता लगेगा कि एक्चुअली इट इज मूविंग लाइक दिस। आई नो द वेवलेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर बुलेट विल बी वेरी स्मॉल, बट विच मोशन दिस बुलेट इज एग्जीक्यूटिंग? वेव। एग्जैक्टली। तो मतलब क्या है मैटर वेव का, कि अगर कोई भी पार्टिकल बहुत हाई वेलोसिटी से मूव करता है ना, तो वो कोई रेडिएशन एमिट नहीं कर रहा है, रादर वो वेव मोशन एग्जीक्यूट कर रहा है। और वो जो वेव मोशन एग्जीक्यूट करेगा, वो जो मैटर, वो जो वेव होगा जो मैटर एग्जीक्यूट कर रहा है, उसको मैटर वेव बोलते हैं। अंडरस्टूड? यस सर। नाउ अंडरस्टैंड दैट मैटर वेव इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद the motion of particle. Understood?
guys understood yes the matter se hota kya now how de broglie calculated the wavelength of a matter wave now just tell me ek aisa particle जो मैटर और लाइट को कनेक्ट करता है अब तक जो तुमने स्टडी किया कोई भी एक ऐसा पार्टिकल जो मैटर और वेव को आपस में कनेक्ट करता है तुमने कोई ऐसा एक पार्टिकल पढ़ा है अभी हम जिसके बारे में डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले फोटॉन हाँ क्वांटम सर क्वांटम फोटॉन नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग मैंने क्या अजम्पशन लिया कि एक मैटर है जिसका मास m है वो पूरा मास m एनर्जी में कन्वर्ट किया सो आई गॉट अ कन्वर्जन ऑफ अ मास m या नोटन करेक्ट मास m इनटू एनर्जी That is like I'm just converting into quantum. Obviously, quantum is a form of energy. Now, shall I say that जो भी energy होगा quantum का वो इस mass energy conversion से आया होगा, right? Yes. So shall I say that what is the energy of quantum? Quantum का क्या energy होता? H nu. E is equal to h nu. Right? Now just one more thing. When the overall mass is converting into energy, Einstein uncle ने क्या बोला था? E is equal to mc square. Very good. Understood? Yes. Very good. Now listen, I know that whatever energy of a quantum is there, it is coming from this E is equal to mc square. Now what he did? He related both the things. This is statement one. This is statement two. So according to de Broglie, the energy of quantum is equal to mc square. Agree? Yes. H nu will become equal to mc square. Now understand that h c by lambda. Sir. Yes. Sir, आप वापस बताएंगे इधर से. मतलब... What happened, बेटा? मास पूरा कन्वर्ट किया उधर से वापस बताएंगे ओके मोहित वन सेकंड ना आई सेड दैट फोटोन का जो एनर्जी रहता है दैट इज गिवन बाय एच न्यू एग्री यहां पे आपने बुलेट को फोटोन मतलब अज्यूम किया नहीं नहीं बेटा मैंने बुलेट को मैटर अज्यूम किया मेरे को ये बताना था कि एक्चुअली मैटर मूव कैसे करता है लाइक मैटर वेव होता क्या है तो मैंने क्या किया बुलेट को ना बहुत हाई वेलोसिटी से शूट किया तो ऑब्वियसली बुलेट एक मैटर है ना तो अगर मैं उसका मोशन स्टडी कर रहा हूँ देन आई कम टू नो दैट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो बुलेट है ना वो कैसे मूव कर रहा है वेव में एग्जैक्टली अंडरस्टैंड और उस वेव को ना मैटर वेव कहते हैं अब लोगों को पता है क्या लगता है लोगों को लगता है कि मैटर वेव ऐसा वेव होगा जो हम एमिट कर रहे हैं यार कैसे पॉसिबल है राइट तो तुमको पता होना चाहिए कि व्हाट एग्जैक्टली मैटर वेव इज तो एक पर्टिकुलर पार्टिकल वेव एमिट नहीं कर रहा है रादर वो वेव जैसा मूव कर रहा है तो उस मोशन को मैटर वेव कहते हैं यू अंडरस्टूड यस यस ओके मतलब सर हाँ श्रीकांत मतलब डी ब्रॉयल को ये बोलना था कि कंपलसरी नहीं है कि एनर्जी मतलब वेव सिर्फ एनर्जी कन्वर्ट ही कर सकती है मतलब इट कैन बी ओनली जस्ट द मोशन एंड नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं नहीं डी ब्रॉगली का ये बोलना था कि कोई भी पार्टिकल है ना कोई भी पार्टिकल है तो उसका जो मोशन है वो क्या कहते हैं उसको एक मिनट राइट हाँ जो भी कोई एक मैटर चल रहा है तो कोई भी मैटर है ना उसके साथ एक वेव मोशन एसोसिएटेड रहता है तो मैटर भी दो तरीके से क्या कहते हैं उसको बिहेव करता है एक तो पार्टिकल है ही यू ट्रीट योरसेल्फ एज अ पार्टिकल बट तुम एक वेव भी हो आर यू गेटिंग अ पॉइंट अच्छा हाँ
बस उसने ये बोला, डी ब्रोगली अंकल का काम ये था। अब डी ब्रोगली बोल के चले गए, हम एनालाइज करें कि उसने क्या 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 मतलब निकाला होगा। गेटिंग इट? नाउ लिसन, शैल आई से दैट कि जितना भी मास है वो पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है, तो मास टू एनर्जी रिलेशनशिप किसने दिया था? आइंस्टाइन ने दिया था, इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर। और जब ये फोटोन और क्वांटम बना तो फोटोन का एनर्जी कितना रहेगा? इज इक्वल टू एच न्यू, राइट? यस सर। तो जो भी एनर्जी फोटोन का रहेगा वो एमसी स्क्वायर रहेगा, और दोनों को इक्वेट कर दिया। नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग, आई गॉट एच न्यू इज इक्वल टू एमसी स्क्वायर बाय विच न्यू इज सी बाय लैम्डा। तो एस सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो सी से सी गया तो मेरे पास आया लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। नाउ अंडरस्टैंड दैट फॉर फोटोन मास, फॉर फोटोन सी मैं ग्रुप लाए व्हाट, तो पुढचा आहे, खूप पुढचा आहे, तो खूप आधीचा आहे तो। अरे तेरा माइक चालू आहे भाई। ए बोला नौटंकी हो यार तुम लोग। सर बाय मिस्टेक, टू मच यार। ओके फाइन, लिसन गाइस, इतना समझ में आया? लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एमसी। यस। अच्छा, आई एम काइंडली आस्क द डाउट्स इन द चैट बॉक्स, ठीक है? जस्ट कॉपी दैट स्टफ, वी विल मूव अहेड। एक बार इसको लिख लो, देन वी विल मूव अहेड, ठीक है? या नूतन, मास फोटोन का और एनर्जी फोटोन का कंपेयर किया। अब मैं बुलेट पे आऊंगा। आई हैव टेकन अ पर्टिकुलर पार्टिकल विच कनेक्ट बोथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज वेल एज मास। तो मैंने पहले डेरिवेशन उसके हिसाब से निकाला, एंड बुलेट का एग्जाम्पल सिर्फ इसलिए लिया था ताकि तुम लोगों को ये पता लग जाए कि मोशन मैटर का कैसे होता है, बस, ठीक है? मैं बुलेट को एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करूंगा। या गाइस, शैल वी मूव अहेड, शैल आई रैप दिस पार्ट? सर 2 मिनट्स। ओके, शामिका क्या हुआ? इज रिपीटेड राइट? व्हाट सर? आई सेड दिस टॉपिक इज रिपीटेड फॉर यू गाइस, राइट? यस। सलोनी, आर यू फीलिंग डल टुडे? क्या हुआ? एनर्जी कंटेंट कम है। यू जस्ट टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम श्रीकांत, इज ऑलवेज हैविंग हाई एनर्जी। सी हे डूड, या सो हैप्पी, राइट? हां सलोनी, उसका क्या क्या ये अपना दूसरा चैंप का है, वेरा चैंप कहाँ गया वो अपना? कौन सर? अरे यार, वो एक एक कितना होता ना अपना चैंप, क्या नाम उसका? दीप सर, दीप का दीप 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 सर। हाँ, दीप की तरह सर, बहुत दिन से देखा नहीं। मैंने भी नहीं देखा। पढ़ाई कर रहा होगा वो, कल टेस्ट है ना इस चीज का। अच्छा, हाउ वाज योर सी इवेंट? सर मेन वाज ऑसम एंड एडवांस। सर मेन सही था सर, एडवांस में लग गई। शिकान, जस्ट टेल मी वन थिंग, केम का कैसा था? केम का नाइस है।
मुझे पूछो सर, वही बोल रहे सलो ने कैम किया था क्या शामिका मानसी निरंजन सर? अच्छा था, अच्छा था सर, मुझे अच्छा नहीं गया उतना। ओके व्हाट अबाउट फिजिक्स? फिजिक्स ठीक था, फिजिक्स दोनों में अच्छा ही था, फिजिक्स ठीक था। सर फर्स्ट टाइम मुझे फिजिक्स थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। किसे? मुझे और किसे? तुझे कहाँ, कौन बोल रहा है तुझे कौन? मैं वंश, वंश। अच्छा वंश, ओके। लेकिन केमिस्ट्री अच्छा गया मेरा, मतलब अच्छा मतलब बोल सकता हूँ ठीक ठाक गया। सॉरी व्हाट अबाउट यू निरंजन? अच्छा था, अच्छा था। निरंजन मेरे लाल पीले हरे नीले, कैसा क्या एग्जाम? हाँ सर ठीक ही गया सर। ठीक गया? हाँ सर। सर मैं डिस्कनेक्ट हो गया था अभी सर। हाँ देखा मैंने यू का ऑडियो। हाँ सर, माइक्रोफोन माइक्रोफोन जैक है उसमें कुछ प्रॉब्लम था सर। इतना समझ में नहीं आता मेरे को। हाँ वही ऑब्वियस। ठीक है ओके फाइन, ओके फाइन विल मूव अहेड। Hey guys, should I wrap this now? Yes. Yeah. Yes, sir. Yeah, physics was easy, Aryan. Yeah, once. Now understand that what we got, that lambda is equal to h by mc. Tell me one thing. M is mass of photon, c is velocity of photon. So mass into velocity for photon will be equal to what? Momentum. Momentum. So proud of you. It is momentum, right? Now it's defined by p. So shall I say that for photon lambda is equal to h by p, right? Haan, sir. Anna? Yes, haan, yes. Haan, sir. पार्टिकल अगर फोटोन ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है तो हर एक मैटर ये इक्वेशन फॉलो करेगा, हाँ या ना? Yes, तो लैम्डा फॉर मैटर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉय अंकल दैट इज एच बाय पी, वेयर पी इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी फॉर अ पर्टिकुलर मैटर। गॉट इट? मतलब वही ना सर, एमसी। हेलो हेलो सर, गॉट दैट? यस। अच्छा मैंने क्या कहा था, फोटोन का मोमेंटम डिफाइन होता है, राइट? हाँ, तो yes. अगर सपोज करो, ध्यान से समझना, अगर किसी ने तुमको बोला हुआ है आई हैव एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैज फ्रीक्वेंसी ऑफ 5×10^10 hertz, please for God's sake calculate the momentum of, sir wo likhne ka hai kya, please for God's sake? Yep. Nahi wo sir ka style hai. नहीं नहीं लिखने का, लिखने का, लिखने तो ना, क्या दिक्कत है? कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ फोटॉन। हमारा क्या जा रहा है? क्या कह रहा है? बोल रहे हमारा क्या जा रहा है? ओह व्यू सर, वो लिखने का, फॉर गॉड सेक, या लिखने का, लिखने का। सर आप रुक गए हो क्या?
क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? अच्छा हाँ क्वेश्चन खत्म हो गया, आंसर चाहिए मेरे को। अच्छा एक बात बताओ तुम लोग, व्हाट इज द बेस्ट थिंग अबाउट अ फोटोन? छोटा है सर। जिस तरीके से वो काम करता है like very marvelous. ऐसा पार्टिकल जिसका मास नहीं पता बट मोमेंटम और एनर्जी पता है राइट पर ये तो बहुत ही अनयूजुअल है क्योंकि मोमेंटम तो सिर्फ मास के साथ आता है। बट हाँ मोमेंटम और एनर्जी अपने को मस्त तरीके से पता है। ऐसा क्यों सर? राइट मास भी निकाल देते हैं ना। अच्छा मेरी बात सुनो राइट, टेल मी वन थिंग, हाउ टू कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ दैट पर्टिकुलर फोटॉन? That is valid for photon or every other matter, no? Yes, sir. So, इसके अंदर जो mc है, that is momentum of photon, right? Yes. Or momentum of any particle per se. तो अगर मेरे को momentum निकालना है, तो how, what will the value of what is the formula for momentum? It should be equal to h bar. Could you repeat again? I got disconnected. Yeah, Drishya, the thing is, I said. This equation is valid for every matter including photon, right? Yeah. So for photon ke liye bhi ye equation valid hai. Aur mera question ye hai ki calculate the momentum of the photon. To ye equation is question mein valid hogi? Yes or no, Drishya? Drishya, again you got DC? I guess. अच्छा गाइस यू अंडरस्टूड दैट वी कैन यूज दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट मोमेंटम ऑफ फोटॉन? देन टेल मी व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ फोटॉन? फोटॉन का मोमेंटम क्या होगा? पी इज इक्वल टू एच बाय लैम्डा। एच बाय लैम्डा। लैम्डा ए हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा ऑफ फोटॉन इफ द फ्रीक्वेंसी इज गिवन टू यू? सर व्हाट डिड यू से? दिशा यू केम बैक नाउ। लैम्डा इज इक्वल टू सी बाय वी frequency of photon is given to me, how to calculate lambda? बेटा फोटोन इज लाइट ऑल्सो राइट? यस सर। तो अगर फ्रीक्वेंसी दे रखा होता है तो लैम्डा कैसे निकालते हैं? टी बाय न्यू। टी बाय न्यू ठीक है। चलो ग्रेट, प्लीज अप्लाई दिस थिंग एंड गेट द आंसर फास्ट। और जल्दी बताओ सर, ऐसा तो मास भी निकल सकते हैं ना सर? हाँ, हाउ यू नो दैट? एमसी से इक्वेट कर दो। हर एक केस के अंदर मास अलग होगा बट डिफाइन नहीं कर सकते हो मास राइट? बेटा बात समझ में आई क्या कह रहा हूँ? नहीं सर। वेरी गुड, सो प्रॉब्लम दोबारा सुन। फोटॉन का मास मैंने बोला नॉट डिफाइंड है, मतलब कुछ मास है और उसका वो पर्टिकुलर डिफाइंड नहीं है वैल्यू एग्जैक्टली क्या है। एग्रीड? यस सर। बट वो रैंडम वैल्यू तो तुम कैलकुलेट कर सकते हो ना, बिकॉज़ तुमने मोमेंटम निकाल लिया एंड दैट विल बिकम इक्वल टू एमसी। हां सर। हां तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और काफी क्वेश्चन पूछा तो जो मास वेरिएबल रहेगा ना। हाँ मास वेरिएबल रहेगा, डिपेंड करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन सर। पर मास तभी तो फोटोन मूविंग रहेगा ना, और मूविंग तो निकाल सकते हैं ना मास। हाँ बेटा तुम मूविंग फोटोन का मास निकाल सकते हो बट वो डिफाइन नहीं है, हर एक केस के अंदर अलग रहेगा राइट? अच्छा मतलब यस पर्टिकुलर नहीं। हाँ सिक्स पॉइंट समथिंग वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा।
हाँ एग्जैक्टली वेलोसिटी तो सी रहेगा ना उसका, उसका फ्रीक्वेंसी अलग होगा, लैम्डा अलग होगा, हर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का फ्रीक्वेंसी डिफरेंट रहता है ना, है कि नहीं? वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहेगा ना बेटा, अगर तुम एक चीज को दूसरे मीडियम पे लेके जाओ ना तो मीडियम चेंज करने से वेलोसिटी चेंज होता है, वो बाद में पढ़ोगे, बट थिंग इज वी विल टेक कांस्टेंट वेलोसिटी, बट फ्रीक्वेंसी तो डिफरेंट हो सकता है ना, अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो लैम्डा अलग अलग हो सकता है, लैम्डा अलग अलग होगा तो मास अलग अलग होगा, एग्री बेटा? अगर लैम्डा अलग अलग होगा तो मोमेंटम अलग अलग आएगा, मोमेंटम अलग अलग आएगा तो मास अलग अलग होगा, इतना समझ में आया? यस सर। तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू डिफाइंड है क्या? नहीं सर। वेरी गुड, ओके आदित्य, नाउ वी विल मूव अहेड, ठीक है सर? यस। फिर अगर ये फॉर्मूला अगर ऐसा है तो हम इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख सकते हैं कि P is equal to E of energy of photon upon lambda, sorry, energy of photon upon speed of light. That is valid for photon. I am just calculating for general equation of matter, right? Matter के लिए तो valid नहीं रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, okay. समझा? हाँ। तो अब मेरी बात सुनो। I come to know that P is equal to H by lambda, which is equal to H by, what is lambda? C by nu, right? Correct. Sir. Now, H is 6.63 into 10 raised to power minus 34. Nu is 5 into 10 raised to power 10 divided by 3 into 10 raised to power 8, correct? So, yes. C by nu आएगा 0.6 into 10 to the power minus 2. Okay, fine. इसको मैं 2.2 से काट दूँ. 2.2 into 5 कितना आएगा? Around 11, right? Minus 32. That is momentum, right? What are the unit of momentum? Gram meter per second. Kg meter per second. Meter per second. SI units, right? So yes, sir. Kg meter per second. Meter per second. Understood? हाँ. Very good. आगे चलें, guys. एक मिनट सर. Okay. Okay, good. Now I want to write down the difference between EM wave and matter wave. Okay. Okay, I want to write down the difference between the EM wave and matter wave. Now, tell me the first point in EM wave. What is an EM wave? Follow the definition, Arthur, right? What is an EM wave? An electromagnetic radiation. Magnetic field is perpendicular to. वही वाला ना field. Electric field. Is perpendicular and are perpendicular to the direction, and magnetic field perpendicular to the direction of the electromagnetic field, each other, as well as perpendicular to the direction of
प्रोपगेशन ऑफ वेव राइट सर आपने इसका एक बार डायग्राम भी दिखाया था ना सर क्लास में या बेटा दिखाया था ना राइट नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के और वो मोशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होते हैं करेक्ट अच्छा एक बात बताओ अगर मेरे पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के अंदर तो क्या बाहर का कोई मैग्नेट या बाहर में कोई इलेक्ट्रिसिटी लाइट को बेंड कर सकती है नहीं सर नहीं नो सर बोला था हाँ नो सर नहीं श्रीकांत सुपरमैन क्या सर लाइट को बेंड कर सकता है कोई मैग्नेट या इलेक्ट्रिक फील्ड हाँ सर कर सकते हैं नहीं सर देवांश नहीं वेट नहीं, नहीं लाइट को नहीं कर सकते लाइट को नहीं कर सकते दिखता नहीं है एक्सरे को अगर लाइट को नहीं तो एक्सरे ले ले एक्सरे शायद अच्छा गामा रेडिएशन गामा हाँ गामा रेडिएशन वोंट डिवेट हां सर नहीं बीटा एंड अल्फा विल ओनली डिवेट इन मैग्नेटिक एंड व्हाट अबाउट गामा अच्छा एक्सरे एक्सरे रितिशा एक्सरेज माइट मेबी माइट यस आंसर मेबी सर मेबी लेट और नॉट आया ना मैटर सुपर्ब यार अरे मानसे फोन मध्ये काहीच नाही येत आहे फोन मध्ये फुल प्लेन नाही येत आ अरे काय करू बंद कर रे नाही सर मेरा नाही असा आवाज फिर किसका क्या पता सर कौन है दूसरा आयुष कर नाही नाही हां सॉरी सलोनी इज इट पॉसिबल फॉर एक्सरे टू गेट बेंड इन द प्रेज ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड Mansi? So maybe, I'm also not sure. Okay, Aditya? Say not possible. Not possible. See, the thing is, electric field component or magnetic field component जो एक दूसरे के perpendicular होते हैं ना, वो चाहे कोई भी external electric field हो, चाहे वो external magnetic field हो, ये सारी EM radiation like X-ray हो गया, gamma rays हो गया, विजिबल लाइट हो गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन हो गया इंफ्रारेड रेडिएशन हो गया माइक्रोवेव्स हो गया रेडियो वेव्स हो गया जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें राइट एंड थंब रूल के हिसाब से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स बैलेंस हो जाता है बेंडिंग नहीं होती है आर यू गेटिंग माय पॉइंट कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में बेंड नहीं होगी जस्ट मेक अ पॉइंट ऑफ इट Getting it? Shamika. X-ray भी electromagnetic wave है. क्या? X-ray. X obviously cosmic rays से लेकर radio waves तक हमने एक energy wise हमने नाम लिखे थे याद है? Cosmic. Yes sir. हाँ लिखे थे. Gamma. उसके नीचे ultraviolet. Length wise लिखा. फिर red के नीचे infrared लिखा था. फिर माइक्रोवेव लिखा वेलोसिटी के ऊपर लिखा था याद है ये सारी यस सर याद है सर इसका पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यू गॉट दैट तो कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में बेंड नहीं करेगी ठीक है नाउ व्हाट इज अ मैटर वेव कोई मुझे बताएगा जून बैच में से मैटर वेव क्या है Guys, what is the matter with any student from June batch? Ananya Matre. Ananya, I'm audible. Ritisha.
Yes, sir. Yeah, just tell me what is matter wave. I'm not sure, but radiation coming out from a matter. अभी मैंने matter wave के बारे में क्या-क्या बताया? अगर मैंने मैटर वेव के बारे में कुछ बोला है तो व्हाट एग्जैक्टली द मैटर वेव? क्या कोई भी मैटर उस रेडिएशन को एमिट कर रहा है? क्या मैटर क्या करता है मैटर वेव दिखाने के लिए? मोशन, वेव मोशन एग्जिस्ट करता है. हां, वेव मोशन में बिहेव लाइक अ वेव. हां, दृश्य आया. इट मूव्स लाइक अ वेव, राइट? यस सर. Very good. Now, what is the matter wave? Dhyan se samajhna. The matter wave is a wave motion. Which is? So, we isme bhi parts hai dekha. Which is executed by the matter. And here a matter will move like a wave. Samajh mein aaya? Samajh mein aaya ki actually matter hi wave ki tarah move karta. नहीं अथर, इट इज नॉट अ सेंट्रल पार्ट. ओके, लिसन, इतना समझ में आया? दूसरी चीज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के लिए हमेशा सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा वैलिड होगा. इसके लिए लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय पी वैलिड होगा किसी भी मैटर के लिए. अगर फोटोन के लिए सिर्फ फोटोन के लिए ये वैलिड होता है सिर्फ मोमेंटम निकालने के लिए, ठीक है? यू कैन कैलकुलेट द मोमेंटम, बट अगर मैं सारे पार्टिकल्स की बात करूं, आई कैन अप्लाई दैट थिंग फॉर पार्टिकल्स. या मानसी, इट इज फॉर मैटर्स विच आर इन द मोशन, राइट? नाउ सेकेंड थिंग, हैव इलेक्ट्रिक स्लैश मैग्नेटिक फील्ड. मे और मे नॉट, may or may not have electric slash magnetic field. इसका मतलब क्या है? देखो, अगर एक बुलेट मूव कर रही है तो बुलेट चार्ज्ड है कि न्यूट्रल है? बुलेट जो है वो चार्ज्ड है या न्यूट्रल है? न्यूट्रल. तो कोई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा क्या न्यूट्रल के अंदर? जी नहीं. नहीं, अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मैटर खुद ही चार्ज है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा. अगर मैटर न्यूट्रल है तो नहीं रहेगा. गॉट दैट पॉइंट, राइट? यस सर. ग्रेट, सो प्राउड ऑफ यू. नाउ वी विल डू वन थिंग. चलो रब दिस. Sir, just wait a minute. What is that? Except table, suppose drop kar do. Table rehne do. Marks work kar do. Just write this down, then we'll solve some problem based on that. Then we'll move ahead. Sir. Yes. Sir, हम सब भी matter ही है ना? हाँ. Sir, पर हमारा rest mass तो define है ना? हाँ, तुम्हारा moving mass भी define है, पता तुमको? फोटोन एक ऐसा मैटर है जिसका रेस्ट मास जीरो है, मूविंग मास डिफाइन नहीं, सिर्फ फोटोन का. तुम फोटोन नहीं हो, राइट? यस. हाँ, तुम्हारा मूविंग मास एज वेल एज रेस्ट मास दोनों डिफाइंड है. हाँ, वो नॉन डिफाइन हो जाएगा. नहीं नहीं, वो नॉन डिफाइन नहीं होगा. तुम जब स्पीड ऑफ लाइट से मूव करोगे तो तुम्हारा मास इनफाइनाइट हो जाएगा, पता है तुमको? या आइंस्टाइन बोल के गए सर, स्पीड ऑफ लाइट पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्यों नहीं लगता? क्या?
you cannot, a matter wave cannot achieve a speed of light, but yeah. Yeah. Shall we move ahead now? Okay, now listen. Question. A bullet of mass 20 grams is moving with a speed of 100 meter per second. Calculate the wavelength of matter wave associated with the bullet. Now bullet ke liye ye nikalna, how it is possible? Possible hai na sir, wahi to pooch raha hu, how to calculate it? For bullet, tell me, it is a matter or photon? मैटर का निकालना है, लाइट का भी निकालना है, तो लैम्डा कौन बताएगा? H by nu, H by P, H by P. हाँ, वेरी गुड. तो सॉल्यूशन में कैसे निकालोगे लैम्डा फॉर बुलेट? आपने क्या लिखा? H by P of bullet, करेक्ट सर? आपने वेवलेंथ के बाद क्या लिखा है? Wavelength of matter wave associated with the bullet. Off है वो? हाँ off है. कौन सा off? अच्छा ये a bullet off है, off है, off. Understood? That is momentum of bullet. Hey, what is the momentum of bullet? How to calculate P? Guys, how to calculate P? Mass H into by velocity. Lambda. Mass into velocity. Mass into velocity. Mass into velocity. What is the mass of bullet? 20 gram. Yes. 20 gram. 20 by 1000. Kg. 100. कितना आया? 2000 into 10 to the power. तो ये SI में लिया? -3. हाँ बेटा, obviously. 2 kg. Obviously. Everything is an SI. Got that? Now you understood how to calculate this? We have calculated momentum. Momentum is mg. Mass into velocity. And I got this thing. Correct? Yes, sir. What is lambda for bullet? What is H? 6.63 × 10⁻³⁴. Divide by? 2. 3.315. 3.315 × 10⁻³⁴. SI unit. Lambda no, will come in meter. Done? ओके सर, वेवलेंथ इतना छोटा है इसलिए हमें मतलब फील नहीं होता. वेरी गुड, समझ आया? सर एक मिनट सर, रफ मत करना. नहीं रफ नहीं करूंगा. क्या?
एक क्वेश्चन तू यस यस करेक्ट नूतन सो इट्स ओनली ऑन द मैटर. हाँ अगर वेवलेंथ इतना छोटा आया तो तुमको दिखेगा ही नहीं ना, तो वो तुमको स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा. करेक्ट. पर फोटोन का वेवलेंथ दिखता है क्या हमको? यू कैन ऑब्जर्व इट, यू कैन डू दैट ऑब्जर्वेशन. या यू कैन डू इट, यू कैन कैलकुलेट अ लैम्डा विद द हेल्प ऑफ मल्टीपल एक्सपेरिमेंट. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आता है तो पढ़ोगे तुम आगे. गाइस आगे चलें. यस सर. ग्रेट. एक क्वेश्चन और. अ टेनिस बॉल is moving fine tennis ball of mass, this is of mass 100 gram is moving with the velocity of हंड्रेड मीटर पर सेकेंड. देन कैलकुलेट द नंबर ऑफ वेवलेंथ्स. द नंबर ऑफ वेव होता है ना, नंबर ऑफ वेवलेंथ्स विच इट रिक्वायर टू कवर 5 meter of distance. अभी समझा? Suppose करो ये distance 5 meter है. एक wavelength, let's say x meter cover करता है. That is lambda. है ना? New के ऊपर dash रहता है, वो क्या रहता है? क्या कह रहा है? वेव नंबर होता है. वो वेव नंबर. वेव नंबर. वेव नंबर. वो क्या होता है वेव नंबर? वेव नंबर का मतलब होता है 1 by lambda in 1 meter per unit length. तो अगर सपोज करो मेरे पास 5 मीटर है, तो अगर इसका वेवलेंथ x है, मतलब एक वेव x डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो कितनी वेव्स 5 मीटर कवर करेगा? तो कैसे निकालोगे? 5 by x into seriously sir 5 by अगर, x अगर एक पेंसिल 2 रुपए की आती है और तुम्हारे पास 100 रुपीस है, तो कितनी पेंसिल आ सकती है? 50. क्या 50 50. कैसे किया? कैसे किया? डिवाइड किया. डिवाइड किया ना. अगर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करना उसने और एक डिस्टेंस इज लैम्डा, That is x. तो कितने लैम्डा लगेंगे? एक लैम्डा इतना डिस्टेंस. कितने लैम्डा इतना डिस्टेंस? 5 by lambda. सर मैं वही बोल रहा था, लैम्डा इनटू नंबर ऑफ लेंथ इज इक्वल टू 5. ओह माय गॉड, आई एक्चुअली ओवरहर्ड यू राइट. नहीं सर चलते नहीं. बहुत थैंक यू. काम करे थे पार्टिकल एनर्जी टू नियर जीरो वैल्यू दैट मिनिमम विल बी इनफाइनाइट. हिमानीश, पार्टिकल का एनर्जी जीरो. That means which energy? You're talking about kinetic energy or potential energy? Himanesh? Yes, sir. Kansa, yes, nahi. Particle? Kinetic. Kinetic ya phir potential? Kinetic, sir. 100 gram, yeah.
Drishyan, it is like 100 grams. The mass is 100 grams. What's written after that? Is moving with velocity of 100 meter per second. Janutan, Emanis, kinetic energy or potential energy? Kya total energy? Kinetic is 0 to total. Velocity 0 to kitna infinite? Na to matlab answer 0 ho jayega. Answer 0 ho jayega. I'll check it. Okay, guys, tell me the solution. First, what I'll... Ekmit, sir. Okay. Okay, Mohit. Nutan, check your answer again. I am finding this a 10 to power something is like not correct. Mohit, have you taken all the thing in SI unit? Yes, sir. Okay. We'll check it out. Devangi, do it again. There's 10 is to power, something will come. I guess you have missed on that. Sir, aapko solution bheja hai, dekhiye na. Solution bheja kisme? मतलब आंसर ओके शायद देखते हैं अभी ओके नाउ गाइस एवरीवन पहले तो बताओ मैं क्या कैलकुलेट करूं ए आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन एंड जस्ट बी अ पार्ट ऑफ क्लास राइट एवरीवन जस्ट टेल व्हाट द फर्स्ट थिंग आई शुड डू एवरीवन मोमेंटम ओके सर लैम्डा फाइंड करना लैम्डा फाइंड करेंगे फाइंड लैम्डा इज एमवी करेक्ट मास कितना है 100 into 10 0.1 वेरी गुड 0.1 केजी यहां पे तुम फंसे पहला पॉइंट एसआई यूनिट इनटू वेलोसिटी 100 सो आंसर आया 10 केजी मीटर पर सेकंड वही हुआ ना सर मेरा भी 10 ही आया मैंने 100 into 10 टू द पावर -3 बोला ओह माय गॉड आई अगेन ओवरहर्ड यू डिवाइड बाय योर एम वी दैट इज 10 करेक्ट सो आई विल बी गेटिंग 6.63 इंटू 10^-35 ठीक है7.541 into 10 to the power 34 ठीक है हाँ सर ये यार ये यार सर समझ में आई बात यस सर या यस सर एवरीवन गॉट दैट देवांग की अंदर 10^-power थिंग राइट मेरा लास्ट स्टेप में गलत हो गया था सर
अच्छा तो सर ये नंबर ऑफ वेव्स ऐसे इस टाइप के नंबर में क्यों आए हैं? क्या कहा तुमने? नंबर ऑफ वेव्स सॉरी नंबर ऑफ वेवलेंथ ये ऐसा क्यों आया है? कोई डेफिनेट कांस्टेंट क्यों नहीं आया जैसे 5? क्यों मतलब जबरदस्ती है क्वेश्चन मैंने बनाया वो भी रैंडम बनाया तो मतलब अभी पॉइंट में बनाया तो मतलब जबरदस्ती है कि एकदम कांस्टेंट ले जाओ. अरे इट इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नो. आई जस्ट मेड अ क्वेश्चन आउट ऑफ. अच्छा 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 है ना चैंपियन सर कांस्टेंट है बस बड़ा है बहुत. हां बहुत हां सर वही. अच्छा वन मोर थिंग ए जून बैच कहां है तुम लोग? जून बैच हां सर. हां इधर ही है सर. यस सर. अंडरस्टूड टुडेस टॉपिक? यस सर. यस सर. अंडरस्टूड. यस सर. यस सर. You understood, right? You understood how to solve the problem based on that? Yes, sir. Okay, great. So proud of you. Now listen, our next class, we'll be solving the same questions again. Not the same question. We'll move ahead in the De Broglie and Heisenberg. We'll wind up with the De Broglie and Heisenberg in the next class. And till then, I'll give you certain questions to do. Take care. Next class is on Wednesday, right? Our next class. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Nice. And one more thing. This new June batch stuff, right? Who is the guy who is like most sincere in June batch? Atharv is most sincere. Sir, Aman. So, Aman one guy, sir. हाँ sir. प्यारा है बहुत sir. Aman and yes sir. गौरव sir का favorite था sir. हाँ sir. बिना sir का. Can you just switch on your cam and then speak? अरे बदतमीजों देखने तो दो. Sincere कौन कौन है? Sir किसका cam चाहिए आपको? अमन का. अरे बाबा तुमने बोला ना अमन का अथर्व द गाय विद द आयुष तो भी अपना कैम ऑन कर. सर कैम ऑन है क्योंकि मैं कैम क्या स्कैम है क्या दिख रहा है कुछ क्या कैम ऑन है इसमें. हां सर वही स्कैम है मतलब मैलफंक्शन हो रहा है कैमरा. थैंक यू. और बंदा ही स्कैम लगता था आयुष ऐसा थोड़ी है. ए अथर्व दिस स्विच ऑन योर कैम गाइस. एंड अमन का अमन ना आयुष अमन ना. हाँ सर. हाँ कहाँ है? देखो सर अभी बोला ही है यही है. अमन प्लीज दिस वॉलपेपर कम ऑन बी अ मैन. हाँ अथर्व इज वेरी सिंसियर गाय राइट नो डाउट अबाउट इट. सर मुझे तो देखो अमन तो वेरी सिंसियर सीरियसली. हेलो शराफत तो टपकती तुम्हारे नूर से मतलब चेहरे से राइट. माय गॉड तुम बचपन से ऐसे हो मन या फिर मतलब अभी इधर आने के बाद ऐसा हुआ? सर बचपन से. हाँ फिर ठीक है तो मतलब हमारा कोई हाथ नहीं है राइट. सी बेंच मारने के बाद. ओके ग्रेट सो गॉड.